कैसे आप सब? अच्छे हैं, स्वस्थ है। ओके, अच्छा। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका मोनिका यादव अविराज वर्ल्ड स्कूल से। मैं आज आपको हिंदी क्या पढ़ेंगे अभी हम हिंदी हिंदी में और क्या पढ़ेंगे हम अ से अहा तक क्या पढ़ेंगे अ से अहा तक उनको क्या बोलते हैं स क्या बोलते हैं स देखो मैंने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे सबको दिख रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के साथ साथ आप इसके चित्रों की पहचान भी करेंगे। मैं आपको चित्र के साथ इनके बारे में बताऊंगी। अ से अनार क्या होता है अ से अनार कैसा होता है अनार देखो कैसा होता है ऐसा लाल रंग का इसके अंदर लाल दाने निकलते हैं खाते ना सभी। अ से आम अ से आम कैसा होता है आम मीठा मीठा रसीला आम उसको हम क्या बोलते हैं आम को फलों का राजा भी कहते हैं क्या कहते हैं आम को फलों का राजा भी कहते हैं। ई से इमली ई से कैसी होती इमली इसका स्वाद कैसा होता है खट्टा खट्टा। ई से ईंट ई से ईंट कैसी होती है दिख रहा है सभी को ऐसी जो गन्ने होते हैं उनके ऊपर पत्तियां होती है फिर इनको पत्तियों को हटा देते हैं फिर क्या बचता है गन्ना बन जाता है। ऊ से उल्लू कैसा होता है उल्लू ऐसा कैसा होता है ऐसा उल्लू क्या करता है रात में सोता है और दिन में जगता है। अच्छा उल्लू के बाद क्या आएगा ऊन क्या आएगा ऊन ऊन कैसी होती है ऐसी ऊन क्या काम आती है सर्दियों में स्वेटर बनाई जाती है सर्दी पड़ जाती पहनते ऊन की बनी स्वेटर। फिर री ऋषि उनके बाद री ऋषि कैसा होता है ऐसा कैसा होता है ऐसा। ऋषि के बाद आई ए डी ऋषि के बाद क्या आएगा आई ए डी कैसी होती है डी ये री मैं पैक है ना नीचे ए डी के बाद आई एन आर ए डी के बाद आई एन आर आई एन आर कैसा होता है ऐसा कहाँ पहनते हैं इनको आंखों पे कहाँ पहनते हैं आंखों पे आई एन आर के बाद ओ ओखली क्या होती है ओ ओखली कैसी होती है ओखली ऐसी क्या करते हैं ओखली का इसमें मसाले कूटते हैं और भारी भारी चीज जो मोटी चीज होती है उनको हम इसमें कूटते हैं। औू औरत ओखली बात क्या आएगा औू औरत औरत कैसी होती है ऐसी वो आपको सब जानते होंगे सबकी मम्मी है। औरत के बाद आम अंगूर औरत के बाद आम अंगूर कैसा होता है अंगूर हरे रंग का भी काले रंग का भी खट्टा भी मीठा भी। अंगूर के बाद क्या बोलते इसको हा आया समझ में चित्र पहचान हुई सभी को सबने पहचाने चित्र ठीक है। चलो एक बार इसको दोबारा वैसे रिवाइज करें अनार आम इमली उल्लू ऊन ऋषि अयेली अना औखली औरत आ गया सबको समझ में सबको चित्रों से भी पहचान होगी समझ में आ गया। अभी आप सब क्या करेंगे इनको अच्छे से लर्न करेंगे याद करेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे ठीक है बच्चों। ओके धन्यवाद।